मैं हूं उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा सूडान में फंसे अपने शहरियों को मुल्क से बाहर निकालने के लिए मसरूफ अमल। जस्टिन ट्रूडो का खित्ते से बराह रास्त हवाई जहाज कैनेडियन और उनके जेर कफालत अफराद को मुंतकिल करने पर गौर। PSAC के साथ 1.5 लाख से ज़ायद वफाकी और सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल का 7वां रोज़। सरकारी मुलाजमीन ने सरकारी इमारतों और कुलीदी बुनियादी ढांचों तक रसाई रोक दी। कनाडा के सूबे क्यूबैक में लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। क्यूबैक में महकमा बिजली के मुताबिक दरख्तों पर बर्फ की तह जमने के बाद बिजली के तार शॉर्ट हो गए, जिसके नतीजे में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहरी इंतजामिया बिजली की जल्द बहाली के लिए सड़कों की सफाई में मसरूफ। 80 साल जो बाइडन का 2024 में भी सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सदर जो बाइडन की अगली मुद्दत के लिए भी सदर मुंतखब होने में सबसे बड़ी रुकावट उनकी उम्र हो सकती है। काबुल हवाई अड्डे पर धमाके में मुलविस दाइश रहनुमा तालिबान के हाथों हलाक। मकतूल अमरीकी फौजी के वालिद ने शिकवा किया कि तालिबान के हाथों मारे गए। दाइश रहनुमा की ना शनाख्त जाहिर की गई और ना ही उसकी मौत कब और कैसे हुई बताया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि सूडान में कनाडा के तैयारे और जंगी जहाज मौजूद हैं और बैनुल अक्वामी इनखिला की कोशिशों में हिस्सा डालने के लिए मनसूबाबंदी जारी है, जिसे कनाडा के इत्तेहादियों ने पहले ही शुरू कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा सूडान में फंसे अपने शहरियों को हवाई जहाज के जरिए मुल्क से बाहर निकालने के लिए काम कर रहा है। अफ्रीका में फौज तैनात कर सकता है। दिफाई ज़राए का कहना है कि हुकूमत इनखिला की मदद के लिए फौजियों को जबूती भेज सकती है। पर्दे के पीछे सूडान में फंसे आम शहरियों को कनाडा के फौजी हवाई जहाज से बराह रास्त पहुँचाने की तैयारियाँ जारी हैं, क्योंकि मशरकी अफ्रीकी मुल्क के मुतहरब फरीक अमरीका और सऊदी अरब के सालिसी में 3 रोज़ा जंगबंदी की पासदारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वफाकी काबीना के इजलास से कबल वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि खित्ते में कनाडा के तैयारे और जंगी जहाज मौजूद हैं और बैनुल अक्वामी इनखिला की कोशिशों में हिस्सा डालने के लिए मनसूबाबंदी जारी है, जिसे कनाडा के इत्तेहादियों ने पहले ही शुरू कर दिया है। ट्रूडो ने कहा कि खित्ते में हमारे असासे हैं। हम बराह रास्त हवाई जहाज कैनेडियनों और उनके ज़ेर कफालत अफराद को मुंतकिल करने पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अब भी ये तय करने की कोशिश कर रही है कि खित्ते के कौन से ममालिक इनखिला की परवाजें कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत महदूद जगहें हैं जहां से वो हवाई अड्डे हो सकते हैं। ट्रूडो ने यह भी नोट किया कि कनाडा का एक फ्रिगेट और एक सप्लाई जहाज करीबी बहीरा अहमर से गुजर रहा है और इत्तेहादियों के साथ राबता कायम कर सकता है, खासतौर पर US 5th Fleet और रॉयल नेवी, जिन्होंने मुमकिन समंदरी इनखिला के लिए सूडान की बंदरगाह पर जमा होना शुरू कर दिया है। वफाकी वज़रा का कहना है कि वो अहम सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकाबंदी की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा में हड़ताल करने वाले सरकारी मुलाजमीन ने सरकारी इमारतों और कुलीदी बुनियादी ढांचे तक रसाई रोक दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में हड़ताल करने वाले सरकारी मुलाजमीन ने सरकारी इमारतों और कुलीदी बुनियादी ढांचे तक रसाई रोक दी है। वफाकी वज़रा का कहना है कि वो अहम सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकाबंदी की निगरानी कर रहे हैं,
क्योंकि हड़ताल करने वाले वफाकी कारकुनों ने दारुलहुकूमत ऑटोवा के मरकज़ में ट्रैफिक में खलल डालकर और दफ्तरी इमारतों तक रसाई को महदूद करके अपने धरने की कोशिशों को तेज करने के वादे को पूरा किया है। पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा के साथ 150,000 से ज्यादा वफाकी सरकारी मुलाजमीन मुसलसल सातवें दिन हड़ताल पर थे क्योंकि उनकी यूनियन के नुमाइंदे उजरतों में बड़े इजाफे और रिमोट वर्किंग के लिए ज्यादा लचक के लिए हुकूमत के साथ बातचीत करते रहे। मंगल की सुबह सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन ने ऑटोवा और गिटिनो क्यूबेक के दरमियान पोर्टेज पुल के पार मार्च किया जहाँ कुछ बड़ी वफाकी इमारतें वाकिया है। मंगल की सुबह थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को रोक रखा है। वजीर आजम के दफ्तर की इमारत और ट्रेजरी बोर्ड हेडक्वार्टर के बाहर चंद ब्लॉक्स के फासले पर हड़ताल करने वालों ने हर 5 मिनट में सिर्फ एक शख्स तक दाखिला महदूद किया। सनत के वजीर फ्रांसवा फ्लिप शैम्पियन ने मंगल को सहाफियों को बताया कि हमें इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि मईशत पूरे मुल्क में काम जारी रख सके। क्यूबेक में बर्फानी तूफान से दरख्तों पर बर्फ की तह जमने के बाद बिजली के तार शॉर्ट हो गए जिसके नतीजे में 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे क्यूबेक में लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। हाइड्रो क्यूबेक का कहना है कि वो मंगल को अपने पावर ग्रिड पर पैदावार के नुकसान की तहकीकात कर रहा है जिसकी वजह से सूबे भर में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो गया। कनाडा के मशरकी इलाकों में बर्फानी तूफान से 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए। वजारत माहौलियात ने क्यूबेक में बारिश से खबरदार करते हुए कहा कि बारिश के नतीजे में दरख्तों के गिरने का खदशा है। क्यूबेक में महकमा बिजली का कहना है कि दरख्तों पर बर्फ की तह जमने के बाद बिजली के तार शॉर्ट हो गए जिसके नतीजे में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहरी इंतजामिया सड़कों की सफाई में मसरूफ है जबकि बिजली की बहाली का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये क्यूबेक यूटिलिटी के लिए 5 अप्रैल को बर्फानी तूफान के सूबे में आने के बाद एक मुश्किल महीना रहा है जिसने 1.1 मिलियन सार्फीन की बिजली कुछ एक हफ्ते तक बंद कर दी थी। इसके साथ साथ सूबाई मिल्कियत वाली यूटिलिटी को 2 हफ्ते कबल साइबर हमले से निशाना बनाया गया था जिसने उसकी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को ऑफलाइन कर दिया था जिसकी जिम्मेदारी एक रूस नवाज हैकर ग्रुप ने कबूल की थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 2024 में होने वाले सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान करके अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 2024 में होने वाले सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान करके अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज भी कर दिया। आलमी खबर इस अदारे के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी सदारत के 4 साल पूरे होने के दिन ऐलान किया कि वो आइंदा होने वाले सदारती इलेक्शन में भी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंतखाब लड़ेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 2024 में दोबारा इंतखाब के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अपनी मुहिम का आगाज कर दिया। ख्याल रहे 80 साला जो बाइडन के अमरीका के मामर तरीन सदर हैं। सदर जो बाइडन को इस वक्त भी हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक के अरकान की अक्सरियत की हिमायत हासिल है और वो आइंदा होने वाले सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेट के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। ताहम जमात डेमोक्रेटिक के रहनुमाओं का कहना है कि सदर जो बाइडन की अगली मुद्दत के लिए भी सदर मुंतखब होने में सबसे बड़ी रुकावट उनकी उम्र हो सकती है। वाज़े रहे कि जो बाइडन 2020 में होने वाले सदारती इलेक्शन में उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देकर 46वें सदर बन गए थे और कहा जा रहा है कि 2024 में भी कोई शख्स ट्रंप को शिकस्त दे सकता है तो वो जो बाइडन है। अगस्त 2021 में काबुल हवाई अड्डे पर होने वाले खुदकुश धमाके का मनसूबा साज दाइश का सीनियर रहनुमा क्रैकडाउन ऑपरेशन के दौरान तालिबान के हाथों मारा गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अगस्त 2021 में काबुल हवाई अड्डे पर होने वाले खुदकुश धमाके का मनसूबा साज दाइश का सीनियर रहनुमा क्रैकडाउन ऑपरेशन के दौरान तालिबान के हाथों मारा गया। आलमी खबर इस अदारे के मुताबिक अमरीकी सिक्योरिटी हुक्काम ने काबुल एयरपोर्ट धमाके में हलाक होने वाले 10 से ज्यादा अमरीकी फौजियों के अहले खाना को उनके बेटों के कत्ल में मुलविस दाइश रहनुमा की तालिबान के हाथों हलाकत के बारे में ब्रीफिंग दी। धमाके में हलाक होने वाले अमरीकी फौजी डैरन टेलर होवर के वालिद डैरन होवर ने बताया कि मैं भी उस ब्रीफिंग में शामिल था, ताहम धमाके के मनसूबा साज दाइश रहनुमा की हलाकत की महदूद मालूमात फराहम की गई हैं। मकतूल अमरीकी फौजी के वालिद ने शिकवा किया कि तालिबान के हाथों मारे गए दाइश रहनुमा की ना शनाख्त सही की गई और ना ही उसकी मौत कब और कैसे हुई बताया गया।
दूसरी जानिब एक तालिबान अहलकार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि दाइश रहनुमा अप्रैल के अवाइल में क्रैकडाउन ऑपरेशन के दौरान मुकाबले में मारा गया था और उस वक्त तालिबान को नहीं पता था कि मारे जाने वालों में काबुल एयरपोर्ट धमाके का मंसूबा साज भी शामिल है। याद रहे कि 17 अप्रैल 2021 को हामिद करजई बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के मरकजी दरवाजे पर उस वक्त खुदकुश हमला किया गया था जब वहां मुल्क से निकलने की कोशिश करने वाले हजारों अफराद और दर्जनों अमरीकी और नेटो फौजी मौजूद थे। खुदकुश धमाके में 170 अफगान शहरी और 13 अमरीकी फौजी हलाक हो गए थे। धमाके की जिम्मेदारी दाइश खुरासान ने कबूल की थी। वाज़ेह रहे कि दाइश के अफगानिस्तान में 4,000 से ज़ायद अरकान हैं जो इस वक्त तालिबान हुकूमत के सबसे बड़े दुश्मन हैं और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद से सिक्योरिटी अहलकारों मसाजिद और इमाम बारगाहों पर हमले में मुलव्वस हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Precise and effective.